फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, एक अहम बात यहाँ पर यह भी है जो रोमांचक भी है और विशिष्ट बनाती है इस बार के आयोजन को, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ऐसे में इस महोत्सव में विशेष ध्यान आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को भी दिया गया, उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत बड़ा एक तरह से आप हाईलाइट कह सकते हैं इस बार की आदि महोत्सव का, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की पहल के ऊपर एक तरह से दुनिया भर के अंदर एक तरह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। दुनिया भर के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है मिलेट्स को लेकर के, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, और मोटा अनाज तो भारत काफी लंबे समय से कंज्यूम कर रहा है। बहुत पुराने समय से हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज भी रहे हैं वो मोटा अनाज को कंज्यूम करते रहे हैं, और काफी एक तरह से पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशन के लिहाज से बहुत पौष्टिक होता है। तो अब उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इस बात को दुनिया भर ने माना है कि मिलेट्स की कितनी महत्वता है, और यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के ऊपर आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर अब इसको जो इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। तो इस बार जो आदि महोत्सव का आयोजन होगा, तो दूसरा जो बड़ा हाईलाइट है, अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल के जो प्रोडक्ट होंगे, उनके जो हैंडलूम है, उनके जो आर्ट है, वो तो शोकेस की जाएगी, लेकिन जो फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें जो अलग अलग तरह के जो श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, यानी कि मिलेट्स जो है, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, क्या क्या प्रोडक्ट ये ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो बना रही है मिलेट्स के लिहाज से, क्योंकि कई सारे हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन किया जा रहा है मिलेट्स के अंदर। अब जो आप यूं भी कह सकते हैं कि नूडल्स भी आपको अब मिलेट्स के तौर पर मिल रही है। तो कई सारे जो बच्चों को लुभाएं ऐसे से प्रोडक्ट भी ये ट्राइबल कम्युनिटी ने बनाए हैं, जो कि मिलेट्स के आधार पर या मिलेट्स को लेकर के बनाए हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। तो यही एक तरह से फोकस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि कैसे एक इंक्लूसिव अप्रोच हो सके, ट्राइबल जो कम्युनिटी है जो देश में कंट्रीब्यूशन कर रही है। अरुण, आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को बताएं कि अभी कुछ देर पहले जो पुष्प वर्षा की थी, जो बिरसा मुंडा जो जन जागरण के लिए जाने जाते हैं आदिवासी समाज के लिए, उनकी मूर्ति पर, और अभी यहाँ पर जो तमाम स्टॉल्स हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं असम का यहाँ पर स्टॉल है और तमाम राज्यों के स्टॉल हैं, खास तौर पर कैसे ट्राइफेड जो है वो इस पूरे आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरह से जो आदिवासी समाज से जुड़े उत्पाद है वो उनकी पहुंच आम जनता तक सुनिश्चित की जाए, ये हम देख पा रहे हैं। ये कितनी अहम आप मानते हैं, ट्राइफेड का भी रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है। हम देख सकते हैं कि असम के काउंटर पर इस वक्त स्टॉल पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर उन उत्पादों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल, कहा जाता है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और वही हम देख रहे हैं, चाहे असम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि 28 से ज्यादा जो राज्य हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ के जो आर्टिजन हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, वो यहाँ पर आएंगे। अब आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर जो आदि महोत्सव है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक तरह से पब्लिक के लिए भी ओपन होगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है, ट्राइबल्स को कैसे हम लोग उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी जो आर्ट है, वो कैसे नेशनल लेवल पर आ सके, उस बात का प्रतीक होगा आदि महोत्सव। और आज एक बार बता दें कि जो भगवान बिरसा मुंडा है, उनको एक तरह से उन्होंने पुष्प अर्पण किए हैं, और अब जो भगवान बिरसा मुंडा है ट्राइबल समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, भगवान बिरसा जन जागरण का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल जो कंट्रीब्यूशन किया है वो अपने आप में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कई बार कहा है कि वो जो नीतियां बनाते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की जो लेगेसी है। अच्छा, ये कितना अहम है अरुण, क्योंकि तस्वीरों के साथ साथ आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री असम के स्टॉल पर थे, फिर मेघालय के स्टॉल पर आए, आप यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत बारीकी से कौन कौन सा राज्य जिसमें आदिवासी समाज में जो लोग इन उत्पादों से जुड़े हुए हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन है, उसे बनाने का, लोगों तक पहुंचाने का, वो प्रधानमंत्री खुद उसका जायजा ले रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, उनके अनुभव जो है वो जान रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और देखिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं वो, मणिपुर का स्टॉल था, अपने दर्शकों को बता दें, मणिपुर के स्टॉल से आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री जी, बताएं अरुण। जी बिल्कुल, जैसा आपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगभग 28 के आसपास जो राज्य हैं वहाँ के जो तमाम आर्टिजन हैं, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो प्रोमिनेंट जो स्टॉल्स हैं उनका जायजा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। ट्राइबल्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट होता है कि प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए जो बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी बहुत डिमांड है। जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि शॉल हो गई, कपड़े हो गए, इसकी बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
तो कैसे इन ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट है उनको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल सके, इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस है कि आदि महोत्सव को एक तरह से एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाए, जिससे कि उनको जो ट्राइबल लोगों के जो प्रोडक्ट है उनको एक बड़ी पहचान मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी लेगेसी को आगे लेकर के जा रहे हैं, वो कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जो उनके जो जो उनकी सोच थी, विचारधारा थी, उनको अपनी पॉलिसी पे इनिशिएटिव में वो लेकर के आते हैं। और आपको याद होगा कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी, उनको जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है देश भर के अंदर। और इतना ही नहीं आंचल, कई सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिया। अगर आपको याद हो कि 2018 में वन धन योजना की शुरुआत की थी, ट्राइबल्स को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिला था, क्योंकि वन धन योजना का मकसद ये था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है तो जंगलों के अंदर वो जो रहते हैं या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, बैम्बू के प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जो वन जीवन जो था, वन धन योजना स्कीम का नाम था, तो कैसे जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जो ट्राइबल लोग बना रहे हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिल सके बैम्बू खासतौर पर फोकस रखते हुए, तो उस लिहाज से वन धन योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, इस तरह के इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई, जिससे कि बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है। अरुणाचल प्रदेश के स्टॉल पर मौजूद है प्रधानमंत्री, उन्होंने वहां से गले के कंठहार को देखा। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जहां से सूर्योदय होता है, और सबसे अहम यहां पर ये भी है कि 1000 से ज्यादा आदिवासी कारीगर इसमें शामिल हैं, 13 राज्यों से ज्यादा जो जुड़े हुए आदिवासी रसोई हैं, जो मिलेट्स के जायदा का तड़का लगाएंगे। जिस बैम्बू का हम जिक्र कर रहे थे उसी स्टॉल पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है, यहां से भी समझते हो। देखिए ये विविधता है भारत की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कैसे इन्हें मुख्य धारा में शामिल करना का लैंड के स्टॉल पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। मुख्य धारा में से जोड़कर वाणिज्यिक को पारंपरिक कला के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, उस लिहाज से भी ये आयोजन बेहद अहम। बिल्कुल आंचल, आप यूं कह सकते हैं कि रंग अनेक तिरंगा एक, राज्य अनेक भारत एक। तो हर राज्य के लोग अपनी अपनी जो 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 सांस्कृतिक धरोहर है, जो उनके आर्ट्स हैं, कल्चर है प्राइमरीली, उसको शोकेस कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, एक समूचे इंडिया की बात कर रहे हैं, और कैसे इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पर इन प्रोडक्ट्स को लेकर के आया जा सके, इस बात पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच रहता है कि जो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहती है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी अगर कुछ डिजाइन कर रही है, बना रही है, तो उनके प्रोडक्ट में जो दमखम है उसको कैसे ब्रांडिंग मिल सके। हमने कई बार देखा कि कई सारे अहम जो मौके होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उस पर वो इन कई सारे प्रोडक्ट्स को खुद आजमाते हैं, खुद पहनते भी है। अभी आपको हाल ही में याद होगा आंचल कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर एक जैकेट पहनी थी, वो जैकेट प्लास्टिक से रिसाइकल करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई। जी बिल्कुल, तो वो दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस बिल्कुल साफ है कि कैसे 2070 तक भारत को अगर कार्बन न्यूट्रल होना है तो हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करनी है। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है कि हम कैसे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, और ट्राइबल लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, वो सर्कुलर इकोनॉमी का एक आदर्श उदाहरण। और क्योंकि आप इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं अरुण, तो क्योंकि भागीदार के रूप में अब भारत कैसे ये जो बाजार है, जो ट्राइबल उत्पादों और साथ साथ चाहे खाने का सामान हो, साजो सामान हो, पहनने या ओढ़ने के वस्त्र हो, उनसे जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी ऑफर करता है ये दूसरी दुनिया को, यानी कि विदेशों की भी अगर मैं बात करूं, कैसे वहां तक भी इन उत्पादों को वैश्विक मंचों पर लेकर जाया जाएगा, उस लिहाज से भी इस आयोजन से बहुत कुछ मिलता है। और जिस आप योजना का जिक्र कर रहे थे, हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे स्टॉल्स हैं जिसमें उस योजना के पोस्टर्स लगे कि जिनसे उनको फायदा मिला होगा। बिल्कुल, और केवल इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करना और कैसे मॉडर्निटी के एस्पेक्ट को लेकर के आना, ये एक और मंशा थी एकलव्य मॉडल स्कूल की। रिमोट एरिया में बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाई जा सके, ट्राइबल बच्चों को एजुकेट किया जा सके, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का भाव आ सके, कैसे वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर बन सके, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, कल्चर हेरिटेज की बात करते हुए कैसे वो आगे बढ़ सके। तो एकलव्य मॉडल स्कूल्स का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, इसके अनाउंसमेंट किए गए, कई सारे एकलव्य मॉडल स्कूल थे उनको बनाया गया, और जाहिर सी बात इसे ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत फायदा होता हुआ दिखाई दिया। आपको एक और बात याद दिला दें कि म्यूजियम ऑफ ट्राइबल हेरिटेज 2020 में इसकी भी शुरुआत की गई थी, और मकसद साफ था
ये जो हर राज्य के अंदर जो ट्राइबल हेरिटेज है, हर राज्य के अंदर जो ट्राइबल की जो परंपरा है, जो कल्चर है, उसको कैसे इस म्यूजियम में साफ तौर पर दर्शाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंबर वन एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिलीव करते हैं, यानी कि कैसे हम लोग एक राज्य दूसरे राज्य से सीख सकें, एक देश के तौर पर कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें, और इसलिए म्यूजियम्स को बनाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करते हैं। दूसरा, वो सर्कुलर इकोनॉमी की, जैसे हमने जिक्र किया कि सर्कुलर इकोनॉमी पर साफ तौर पर फोकस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बिकॉज इंटरनेशनल कमिटमेंट हमारे बहुत क्लियर है कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, और अगर कार्बन न्यूट्रल होना है तो बहुत जरूरी है कि हम जो रियूजेबल जो आइटम्स है उसको इस्तेमाल कर सके, जिसको आइटम्स को रिसाइकल कर सके। हाल ही में जैसे कि हमने जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकल करके रियूज करके एक तरह से जो जैकेट बनाई थी उसको पहना था। तो इंटेंट उनका बिल्कुल क्लियर था कि हम लोग उसको लीनियर इकोनॉमी से हट करके अब सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें हम ज्यादातर रियूज करें, रिसाइकल करें प्रोडक्ट को, और इसकी वजह से अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सकें, और जो लाइफ स्टाइल की जो बात करते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। तो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, जो जिस तरह के लाइफस्टाइल पर फोकस कर रही है, अच्छा हम ये भी देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कुछ कुछ स्टॉल्स अभी तो गुजरात के स्टॉल पर मौजूद है प्रधानमंत्री, कुछ कुछ स्टॉल से जो चीजें उन्हें अच्छी लग रही है, जो वहाँ के स्टॉल विक्रेता है वो उन्हें भेंट करे, वो उनको साथ लेकर भी चल रहे हैं। तो अब पहले मान लीजिए अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है जो नागालैंड में फेमस है यहाँ, तो आप वहाँ जाएं तब खरीदें या ऑनलाइन? लेकिन अब क्योंकि इस तरह से जब आदि महोत्सव लगाया जा रहा है, उस लिहाज से जो आम खरीदार है, आम पब्लिक है, उसके लिए भी अलग अलग जो टेस्ट है उनको चखने का खान पान के जरिए, अलग अलग जो वस्त्र है उनको पहनने का, घर के साजो सामान जो कि अलग अलग राज्यों के, उन्हें अपने घर में संजोने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। तो अब मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के दिल की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, 16 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इस ये बात बिल्कुल श्योर है कि अब वीकेंड आएगा, शनिवार रविवार आएगा, तो भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जहाँ जाते हैं तो हमने देखा है अमूमन कि लोगों में भी क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, और हेल्थ को सपोर्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में भी श्री अन्न के जो प्रोडक्ट थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको भी देखा, कैसे पैकेजिंग उसकी की गई है, पैकेज्ड करके उनको बनाया जा रहा है, और उनको एक तरह से ये ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उसको बड़े लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स की शुरुआत करके, जिसमें बायर और सेलर एक साथ आ सकता है, एक दूसरे के नजदीक आ सकता है, यानी कि दूरी खत्म होती है, बायर और सेलर इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं। आपको याद होगा अभी देखिए कि हाल ही में सिक्किम के अंदर हमने देखा कि सिक्किम जाना जाता है एक ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर जाना जाता है। अब सिक्किम के जो लोग हैं केवल ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक फूड आइटम ही नहीं बना रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके उनको पैकेज्ड करके उनके प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि इससे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट के जो सामान है, फूड आइटम्स हैं, वो अपेरेंटली आप देखिए गल्फ कंट्रीज के अंदर भी पहुंच रहे हैं। वहां के जो मॉल्स हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स वहां पर जाते हुए दिखाई देंगे, वहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दिखा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में पिछले 8-9 साल के अंदर जो मेजर इनिशिएटिव्स किए गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि इंक्लूसिविटी आई है एक अप्रोच के अंदर, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है स्पेसिफिकली जो इनिशिएटिव्स जितने लॉन्च किए गए हैं उसका इन ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एजुकेशन के लेवल पर एकलव्य मॉडल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ने कई सारे इंसेंटिव और इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है, जिससे कि इन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अब अगर उनको बिजनेस करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, तो उनके लिए फाइनेंसिंग बहुत ईजी हो गई है। ये जो बात आप कह रहे हैं वो अरुण बहुत अहम है कि जब हम B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं उसके लिए कितना अहम मंच है, क्योंकि खाली आम जनता के साथ साथ अगर जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको कोई स्टार्टअप लगाना है और वो किसी राज्य के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ये अहम महोत्सव हो सकता है। खासतौर पर चाहे वीकेंड्स की बात करें, अभी तो लंबा चलेगा ये महोत्सव, तो उस लिहाज से भी एक बहुत अहम पहल। बिल्कुल, अभी अभी हाल में जो अपने स्क्रीन पर आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, अपेरेंटली ये सब रीयूजेबल या क्यों कह सकते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे हैं खासतौर पर।
उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं। आप इनके कपड़ों की बात कर लीजिए, प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, ये एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो पीएम ने जो लाइफ का जो मंत्र दिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये उनको सपोर्ट करता है, सपोर्टिव वो है, कॉम्प्लीमेंट्री है उन तमाम इनिशिएटिव्स के लिहाज से। जो हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ये देखिए ज्वेलरी को बनाया है, और आजकल लोग प्लास्टिक का एक अपेरेंटली एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि इसका क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिस्प्ले पर रखे गए हैं। हम देख रहे हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, कई बार ये होता है कि भारत, हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जहां तक जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की जाए हम लोग बहुत मैसिवली इसको बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं, और लेकिन जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो दरकार होती है कि कैसे इनोवेशन की जा सके, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार उसमें इनोवेशन करने पड़ते हैं अपनी एक तरह से साख बनाए रखने के लिए। और कैसे अब देखिए कि नागालैंड के लोग हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर एक लोकल टच दे रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स को या जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उनको एक तरह से पहचान मिल सके, या बड़े स्तर पर इनको यू नो सेल करने में या मार्केट एक्सेस। और क्योंकि अरुण ये भारत के वो खजाने हैं जिनका प्रदर्शन इस तरह का मंच उनको चाहिए था। बहुत सी ऐसी बातें या बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं उत्पाद, वस्त्र, पेंटिंग, हस्तशिल्प, व्यंजन, पारंपरिक कला, जिससे मैं और आप भी अनजान है क्योंकि हम इतना तो नहीं घूम सकते, तो ये एक मंच पर आपको लाकर अगर मिल जाए एक ही प्लेटर पर अंडर वन अम्ब्रेला अंडर वन रूफ, तो ये आपके लिए बहुत अहम है। और उस लिहाज से भी कि आप जायजे के साथ साथ जायका भी ले रहे हैं, जिसका हम देख पा रहे हैं एक मुजाहिरा, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस जो ये महोत्सव इसका आयोजन किया गया है उसका फायदा इन आदिवासियों को मिलता हुआ। बिल्कुल, देखिए चाहे झारखंड का स्टॉल हो, मध्य प्रदेश का हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई मंचों पर इस बात को कह चुके हैं कि अगर हमें रेलेवेंट बने रहना है तो हमें वैल्यू एडिशन करना होगा। और आप देखिए पिछले 7-8 साल में हमने कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव देखे हैं, लेकिन ये जो जो आदि महोत्सव अब हो रहा है ये बहुत ही एक डेवलप्ड स्टेज में अभी आपको दिखाई देगा, बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई देगी इस तरह के जो जो ये इवेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात कही थी 5-7-8 साल पहले कि आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कीजिए, पैकेजिंग अच्छी कीजिए, उसको एक तरह से आप बेहतरी के साथ बनाइए, क्या एक्स्ट्रा आप उसमें एक इनोवेशन कर रहे हैं, वो तमाम चीजें अब हमें जो अपने एंटरप्रेन्योर्स है उसके अंदर दिखाई देती है। आप देखिए कितनी बेहतरी के साथ पैकेजिंग की हुई है जिसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि आजकल क्योंकि जमाना ये है कि हमें प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी भेजना होता है, तो जो पैकेज फूड होते हैं उसको आसानी से भेजा जा सकता है। तो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, क्योंकि कैसे सामान एक देश से दूसरे देश में तुरंत पहुंच रहा है, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, तो कॉम्पिटिशन भी उतना बढ़ रहा है, कई एशियन कंट्रीज से भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो भारत खड़ा इसलिए उतरता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज 7-8 साल पहले एक बात कही थी कि हमें जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और वही चीज आप देखिए हमें झलक देखने को मिल रही है आज के आदि महोत्सव के अंदर। जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, और जीरो इफेक्ट यानी कि एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं, इसी की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज से 7-8 साल पहले कही थी कि हमें जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रोडक्ट्स को बनाना है। और आप देखिए चाहे खाने का सामान हो, यानी खाने के सामान का जिक्र कर रहे हैं ना अरुण आप, ये हिमाचल प्रदेश का स्टॉल है नेचुरल और ऑर्गेनिक, ये अब हम मानते हैं ऐसा लाइफस्टाइल है आज में, आजकल दुनिया का 24/7 काम है, हम मीडिया में हमारा भी बाकी लोग भी एक आपाधापी की जिंदगी जीते हैं, ऑर्गेनिक और बेस्ट प्रोडक्ट्स खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की पहचान होते हैं या तमाम ये जो राज्य हैं उनकी, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जाए किफायती दामों पर, उस लिहाज से भी गुणवत्तापूर्ण भी हो, उस लिहाज से भी ये मंच बेहद अहम। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे जो एमएसएमईज हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में जो लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके कैसे उसमें एक मॉडर्न टच मॉडर्निटी के साथ में ब्लेंड करके उसको एक तरह से मार्केट में ले जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती थी फाइनेंसिंग की, कि भाई कैसे फाइनेंसिस को लेकर के आया जा सके। लेकिन आप इस बात को भलीभांति जानती भी हैं कि एमएसएमईज के लिए सरकार ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं उनके लिए फाइनेंसिंग के ऑप्शन बहुत ही आसान हो गए हैं। ये पहले जैसी बात नहीं रही कि इनको फाइनेंसिंग की दिक्कत होती थी, फाइनेंसिंग की वजह से अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाते थे। आज अगर जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, इसमें अगर इनोवेशन देखने को मिल रही है,
है, एक बेहतर पैकेजिंग देखने को मिल रही है। तो इससे बहुत बड़ा सपोर्ट फाइनेंसिंग का भी रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट का रहता है, चाहे मुद्रा जैसी इनिशिएटिव्स हो या फिर आप जो अन्य हम जो इनिशिएटिव्स की बात करें, जो स्टैंडअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव की बात करें, इसमें जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन के रास्ते खोले गए पिछले 7-8 साल के अंदर, उससे बहुत ही संबल मिलता है जो जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी को। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी हमें याद है कि जो 20 लाख करोड़ का जो मेगा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस किया गया था, उसके कोर में भी एमएसएमईज को रखा गया था, इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी को उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ था, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। चाहे आप देखिए बनारस की साड़ियां हो या फिर आप यू देखिए कि जो जो सिक्किम के जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम चीजें एक ही डिस्प्ले पे आ रही है, बेहतर पैकेजिंग के साथ में आ पा रही है, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ में आ पा रही है, और आज का जो एंटरप्रेन्योर आप देखेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। एक ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पा रहे हैं, B2B बिजनेसेस जिस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से फाइनेंसिंग की दिक्कत बहुत दूर हुई। अच्छा, एक चीज और बहुत अहम है अरुण, क्योंकि हमने भी देखा उत्तर प्रदेश के स्टॉल का जायजा लिया, प्रधानमंत्री ने अभी कर्नाटक के स्टॉल पर मौजूद है। लोग कहते हैं कि बिजनेस सीखने के लिए MBA करना जरूरी है, लेकिन ये जो आदिवासी हैं, क्योंकि इनकी जो हम कहते हैं ना हाथ को हुनर, वो अपने आप में इतने माहिर हैं, अपनी कला में पारंगत हैं, उस लिहाज से ये जो बिजनेस मॉडल वो पेश कर पा रहे हैं जो निवेशकों को आकर्षित भी करेगा और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी आवाज। बिल्कुल, रोजगार जॉब क्रिएशन बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देश के अंदर मान के चलिए कि 10 करोड़ के आसपास MSMEs हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जो जो राज्य आते हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसके कोर में MSMEs होते हैं, और जाहिर सी बात है ट्राइबल कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स हो गए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट हो गया, गुजरात हो गया फॉर दैट मैटर, मध्य प्रदेश फॉर दैट मैटर, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट योगदान रहता है जो कि MSMEs में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। अब इस समय पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ओडिशा के स्टॉल पर है, ओडिशा जो भगवान जगन्नाथ पुरी की अपने आप में जो धरती है, केरला का स्टॉल है, अभी केरला के स्टॉल से आगे बढ़े हैं अरुण और अब आगे बढ़ते हुए दूसरे स्टॉल पर पहुंचे। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में जो ओडिशा के स्टॉल पर थे, तो वहाँ पे जो देखिए पेंटिंग जो वहाँ की जो मशहूर है, तो वहाँ के लोग पेंटिंग बनाते हैं, जो उनकी जो आर्ट है वो काफी फेमस है। तो एक तरह से हर स्टेट की जो अपनी खासियत है, तो वो जाहिर सी बात है हमें डिस्प्ले पे यहाँ देखने को मिलती है। तो वो एक तरह से जो मार्केटिंग जो ब्रांडिंग की बात होती थी जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जिसमें जो अदर एशियन कंट्रीज बाजी मार जाया करते थे एक समय में, यूरोपियन कंट्रीज बाजी मार जाया करते थे कि भाई यहाँ का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, लेकिन आज जो मेक इन इंडिया है, ये जो छाप के साथ में जो जो एंटरप्रेन्योर्स आगे निकल करके आ रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं, तो एक जो मेक इन इंडिया की जो ब्रांडिंग निकल करके आई है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस देती है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, तो चाहे गुजरात के लोग हो, उड़ीसा के लोग हो, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी आर्ट को, अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को एक मॉडर्न अप्रोच के साथ में यहाँ पेशकश कर रहा है। तो अगर हम पिछले 7-8 साल में समझने की कोशिश करें, आचरण का थोड़ा इसको कंक्लूड करें इस इकोनॉमिक एंगल को, तो देखेंगे कि फाइनेंसिंग के जो इश्यूज है वो बहुत दुरुस्त हुए हैं, फाइनेंसिंग बहुत आसान हुई है। एक बात बहुत अहम है, अभी अंडमान निकोबार के इस स्टॉल से प्रधानमंत्री निकले हैं, ये यहाँ बैठकर मैं इस मंच से देख रही हूँ, आप वहां से देख रहे होंगे, दर्शक डीडी न्यूज देख रहे हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तेलंगाना के स्टॉल पर प्रधानमंत्री है कि यहीं से बैठकर मैं और आप या जो जनता दिख रही है वो सोच पा रही हूँ कितना अहम है कि भाई ये एक अगर पिकनिक के तौर पर हम अपने बच्चों के साथ इस वीकेंड पे प्लान करें या बिजनेस के लिहाज से प्लान करें, जायका लेने के लिए प्लान करें, परंपरागत जो कलाएं हैं उन्हें देखने के लिए प्लान करें, एक बहुत उपयुक्त हम कह सकते हैं ये जो पूरा हफ्ता रहेगा 27 फरवरी तक ये चलने वाला है, ये जो पूरा महोत्सव है ये अपने आप में बहुत आकर्षक, क्योंकि नए नए आयाम लगातार हर साल जुड़ते हुए, जैसे इस बार श्रीअन है जो सबसे अपने आप में विशिष्ट और मैं कह सकती हूँ कि USP रहेगा इस बार के महोत्सव का। मिलेट्स बिल्कुल USP रहेगा, और आपने कहा कि बच्चों के लिए पिकनिक, तो बिल्कुल 27 फरवरी तक ये जो आदि महोत्सव खुला है, ये जो स्टॉल्स है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इन सामान को, और यहाँ के जो मिलेट्स जो ये जो स्टेट्स लेकर के आए हैं अपने साथ में, अपने अपने जो खास जायके के साथ में, वो भी आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आप इनको लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। हो सकता है आदि महोत्सव के बाद में जो सिक्किम के जो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं सिक्किम चले जाएंगे, ये लोग अपने अपने राज्य को लौट जाएंगे, आप इनके फोन नंबर ले सकते हैं या आपको डायरेक्टली घर पर भी डिलीवर कर सकते हैं। तो कई
कई बार ऐसा देखा है कि जो B2B इवेंट्स होते हैं इसमें ऐसा रहता ही है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो मेरा बेटा भी है उसको सिक्किम की जो मिर्ची बहुत पसंद है, वो सबसे तीखी मिर्ची कही जाती है, तो वो सिक्किम की मिर्ची लेने के लिए शायद ट्राइबल का जो ये महोत्सव है, जो आदि महोत्सव है, वहां जाने की बात कह रहे हैं। तो ये बताते हैं कि कैसे बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे, उनमें अवेयरनेस क्रिएट हुई है। लेकिन सिक्किम, क्योंकि कई सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में आना मुमकिन नहीं हो सकता आपके लिए, लेकिन वो स्टेट से अगर आपके द्वार पर चलकर आ रहे हैं। बात आपने की, जैसे अब हम बात करते हैं, जब हिमाचल जाते हैं तो वहाँ पे फ्रूट जैम्स हैं या ड्राइड एप्पल होता है। अब या तो आप हिमाचल जाएं या कोई आपका दोस्त है वो हिमाचल रहता हो तो वो लेकर आए, लेकिन इस तरह की चीजें अगर आप यहाँ पर लेते हैं, और क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, उस लिहाज से भी बहुत अहम। तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ पर जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो पारंपरिक साड़ियां हैं, ज्वेलरीज हैं, जो आर्टिफिशियल भले ही हो लेकिन कहीं ना कहीं कलात्मक रूप से अहम आपके ज्वेलरी बॉक्स में कहीं ना कहीं हो सकती है। और अगर घर का साजो सामान, जो हम हमेशा से कहते कि भाई ये कोई वहां से लाया यहाँ से लाया, अब आपके लिए एक मंच के माध्यम से मौजूद। बिल्कुल आंचल, और देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लगातार इस तरह के इवेंट्स को मॉनिटर करता है स्टैटिस्टिकली कि आखिरकार कितना फुटफॉल आया और इसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वाइब्रेंट गुजरात की उन्होंने शुरुआत की थी, और उस समय पर करी थी जब कच्छ के भूकंप की आपदा के बाद में गुजरात जूझ रहा था इकोनॉमिकली। ऐसे में वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन हुआ, और उस समय जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर थे और मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पहले ही वाइब्रेंट गुजरात में आए, तो उसके बाद ये पाया गया कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है, जहां इन्वेस्ट करना चाहता है, उन दोनों को मिलाने की जरूरत है। और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो एक तरह से बायर और सेलर को, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन से मिला देते हैं। और लगातार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी इस तरह के मॉनिटरिंग करता है कि जैसे आदि महोत्सव हो गया या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो नंबर वन, इससे अवेयरनेस फैलती है कि लोगों को पता चल रहा है। दूसरा, जो एक तरह से मार्केटिंग की दिक्कत आती है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, एमएसएमईज को, कि भाई हमें एक बड़ा मार्केट नहीं मिल पा रहा है, हम कहाँ पे जाके मार्केटिंग करें, कहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेचें। तो इनको प्रोडक्ट बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है कि कैसे इन जो 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 एमएसएमईज हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बेच पा रहे हैं। तीसरा, जो सबसे प्रोमिनेंट कहा जा सकता है कि इस तरह के जो इवेंट्स जो लगातार किए जाते हैं इसमें आपकी इंटरनेशनल साख भी बनती है, क्योंकि जो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स को भी तलाशते हैं और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को एज अ देश होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनली भी एक तरह से कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। भारत के प्रोडक्ट साख इसलिए है क्योंकि भारत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसे प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एनवायरमेंट पर कम इंपैक्ट होता है और या ना के बराबर इंपैक्ट होता है और डिफेक्टिव नहीं होता, जैसे अदर एशियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि बहुत डिफेक्टिव आइटम्स पाए जाते हैं, सस्ते तो होते हैं बट डिफेक्टिव बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जल्दी खराब हो जाने वाले होते हैं। तो भारत बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रहा है, इससे बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। दूसरा, मार्केटिंग बेहतरी के साथ में हो पा रही है, इससे जो हमारे जो आज के आर्टिजन्स हैं, जो एमएसएमई के लोग हैं, उनको एक बेहतर मार्केट मिल रहा है जिससे बहुत कॉम्पिटेटिव फील कर रहे हैं। फाइनेंसिंग के इश्यूज को बहुत सुलझाया गया है पिछले 8-9 साल के अंदर, जिससे कि इनके लिए जो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, एमएसएमईज हैं, इनके लिए फाइनेंसिंग के ऑप्शन और विकल्प कई बढ़ गए हैं। आप बेहतरी के साथ फाइनेंसिंग ले सकते हैं जिसकी वजह से ये बेहतर प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो इसी मॉनिटरिंग में पाया गया है कि इस तरह के इवेंट्स बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले करते हैं। जिन ट्राइबल प्रोडक्ट को शायद बहुत लोग नहीं जानते थे, वो दूरदर्शन के माध्यम से या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो एक बहुत बड़ा जो एक फॉलोइंग ग्रुप है, जो एक तरह से जो जो बेस है प्राइम मिनिस्टर मतलब एक बहुत अहम बात यहाँ पर अरुण ये भी है कि सामान खरीदने के लिए दुकान वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत हद तक मैं कह सकती हूँ लिमिट किया है प्रधानमंत्री ने, कि जरूरी नहीं है आपके पास दुकान हो, जरूरी नहीं है, आपके पास एक मंच होना जरूरी है, आपके साथ वो एक आत्मीयता जो आप अपने ग्राहक के साथ, भले ही एक बार अगर आप वो जो ग्राहक आपके पास खरीदने के लिए आए वो बार बार आए, उसके लिए दुकान की जरूरत नहीं है। आपके साथ जिस तरह से मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए अब अलग अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिस तरह से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, वो अपने आप में बेहद अहम। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कि जैम पोर्टल जैसे इनिशिएटिव की शुरुआत देश में की गई है, जिसमें कि यही जो ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर देते हैं और गवर्नमेंट परचेजिंग जो होती है वो इन जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। तो देखिए कि बहुत बड़ा जो कंज्यूमर बेस है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं, वो एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है जो हमारे देश में जो MSMEs हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बैम्बू से जुड़ी कोई सीट की रिक्वायरमेंट है तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये तस्वीर बहुत अहम है अरुण, मैं आपको रोकना चाहती हूँ कि जिस हद करगा
जो क्षेत्र है उसके उत्थान के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया, कई नीतियां बनाई है कि कैसे जो हैंडलूम है, हम जानते हैं कि हैंडलूम दिवस मनाया जाता है, और कैसे इस क्षेत्र में रोजगार के मोर्चे तो आए ही, और कैसे ये किफायत और गुणवत्तापूर्ण जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बड़ा बाजार बने। देखिए जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बेहद सशक्त और बहुत अहम तस्वीर है आज की। बिल्कुल, हैंडलूम इंडस्ट्री को एक तरह से बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव ये सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि बहुत कैपिटल लगता है, सामान देर से बनता है क्योंकि इसमें स्लोन काम बहुत धीरे धीरे बारीकी से होता है, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनता है। जो हम हैंडलूम इंडस्ट्री की जो बात करते हैं, ये भारत की बहुत बड़ी धरोहर है, जो हमारे देश की हैंडलूम इंडस्ट्री है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसकी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ज्यादा डिमांड है। आज भी आप देखेंगे कि जो यूरोप के जो लोग आते हैं वो भारत में आते हैं तो ये एक हैंडलूम या हाथ से बने सामान को खरीदना पसंद करते हैं और मनचाह दाम देने के लिए तैयार है। आज की तारीख में जो यूरोप का बहुत बड़ा मार्केट है, आप इस चीज को पाएंगे कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, या कोई साड़ी की आप जिक्र कर लीजिए, 15 दिन 20 दिन 30 दिन में एक साड़ी बनके तैयार होती है, अगर आसान भाषा में समझें। लेकिन जब ये साड़ी बनके तैयार होती है, चूंकि ये हथकरघा होता है, हाथ से बना हुआ सामान होता है, इसकी कॉस्टली होती है नो डाउट, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और लोग इसके दीवानगी बहुत ज्यादा है हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जो अवेयरनेस की कमी है नंबर वन, दूसरा ये बहुत मार्केट तलाश रही है कर सके कैसे इसको और बड़ा मार्केट मिल सके। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर हम देखेंगे पिछले 8-9 साल के अंदर कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, चाहे बनारस की आप बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, या फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की बात कर लीजिए, डाउन साउथ की बात कर लीजिए, तमिलनाडु फॉर दैट मैटर, कर्नाटका फॉर दैट मैटर, वहां पर हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत बेहतरी के साथ में रिवाइज किया गया है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि कैपिटल फाइनेंसिंग बहुत बड़ा इशू हुआ करता था एक समय में, आज की तारीख में अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, आप जीएसटी प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके लिए फाइनेंसिंग और भी आसान हो जाती है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं तब भी आप देखिए कि फाइनेंसिंग के बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध हैं और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस बहुत ईजी हो गए आज की तारीख में, क्योंकि सरकार ने प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया है फाइनेंसिंग के लिए आपसे। आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई महिला है, वो उनका अगर सपोज साड़ी बनाने का हैंडलूम का अगर बिजनेस है, कैपिटल की जरूरत है, तो पहले बहुत कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, बैंक के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज की तारीख में बैंक आपके पास आ रहा है, सिंगल क्लिक के अंदर आपका लोन अप्रूव हो रहा है, कई वेबसाइट या जीएसटी रजिस्टर्ड है तो 45 मिनट्स में आपको लोन के अप्रूवल भी मिल जा रहे हैं। तो आज की तारीख में लोन एक दिक्कत का वो नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो मार्केटिंग है और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाने की बात है। तो वही जो प्रोडक्ट देखिए, जो बैम्बू के प्रोडक्ट, ये तस्वीर देखिए अरुण, ये तस्वीर प्रधानमंत्री स्टॉल पर मौजूद है, मैं उसका नाम अभी जब हमारी कैमरा टीम दिखाएगी तो पढ़कर सुनाएंगे। एक शॉल उड़ाया गया है उन्हें, एक जैकेट पहनाई गई है, और ये अपने आप में देखिए दिखाता है कि किस तरह से जो आदिवासी समाज जो कला के प्रति पारंगत है, अपने काम को जानता है, उसका कितना खूबसूरत हम कह सकते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने उस शॉल को ओढ़ लिया है और वो उससे पहले उसी स्टॉल से जुड़ी हुई जो पेंटिंग है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए कि कितना खूबसूरत ये शॉल है। तो कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम यहाँ पर समुदाय से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को बताने के बारे में, उनके किस तरह से वो बनाए जाते हैं, कितना समय लगता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी आना बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस करते हैं या आप अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी इस तरह के महोत्सव से आया और सरकार ने इस बात को भली भांति समझा और इस पूरे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की। गुजरात है यहाँ, चल गुजरात, और ये गुजरात क्योंकि मैं इसलिए पहचान पा रहा हूँ क्योंकि ये गुजरात की आर्ट है, राप गरबा, जो गरबा जो करते हैं लोग वो है, और जो महिला वहां पे थी गुजराती जो पोशाकें पहनी हुई थी, तो ये गुजरात की आर्ट है। तो ये जो शॉल है, तो हाँ जाहिर सी बात है गुजरात में भी आप देखिए जो गिर रीजन में जो महिलाएं रहती है, ट्राइबल लोग जो रहते हैं, या अंबाजी का जो एरिया आता है वहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, राजस्थान के पास पड़ता है ये एरिया जो ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया है, तो ये आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ बहुत बेहतरी के साथ में इस तरह की आर्ट पर काम किया जाता है। जो चनिया चोली की हम बात करते हैं जो महिलाओं में बहुत फेमस है, तो ये बनाया जाता है कांच के आइटम, कांच को लगा लगा करके इस तरह के कपड़ों को डिजाइन किया जाता है, हाथ का बहुत ज्यादा काम होता है। और तो मशीन आजकल आ गई है, लेकिन मशीन के प्रोडक्ट्स आज भी आप देखेंगे कि बहुत अपील नहीं करते हैं कई लोगों को, मशीन से बनाए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं वो पता लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाथ से बनाया हुआ स्वेटर, मुझे आज भी याद है, माँ का बना हुआ हाथ का स्वेटर और मशीन का बना हुआ, बहुत फर्क है उसमें।
हाँ और बिल्कुल यही बात है कि जो मशीन का कपड़ा जो होता है जो बनता है, बन तो जल्दी जाता है, सस्ता भी बहुत मिल जाता है, लेकिन वो फाइननेस की जो आज जो तलाश लोग करते हैं, जो एस्पिरेशन लोगों की बढ़ रही है, हाथ का बना हुआ जो कपड़ा होता है बहुत ही फाइन प्रिंट देता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी उसके अंदर होती है, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट आज दुनिया भर के अंदर है। यूरोपियन खास करके मैं आपको इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप गोवा में देखिए, गुजरात में जो लोग विजिट पे आते हैं, बनारस में आते हैं, वो इस तरह के हैंडलूम के जो जो सामान है उसको खरीदना पसंद होते हैं, जो हाथ का बना हुआ सामान है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो शॉल को जो ओढ़े हुए हैं इस समय पर, ये एक तरह से जो खादी है वो दिखाता है, ये दिखाता है मेक इन इंडिया की झलक दिखा रहा है कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट हैं। जिस चीज का जिक्र महात्मा गांधी ने किया था कि चरखा चला चला करके उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत की बात उस समय पर करी थी, चरखा चला करके जो जिस इनिशिएटिव की बात उन्होंने कही थी कि हम अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, वही लेगेसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे लेकर के जा रहे हैं, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या महात्मा गांधी हो, या इन तमाम या स्वामी बिरसा मुंडा हो, इन तमाम लोगों की लेगेसी को आगे लेकर के जा रहे हैं, पॉलिसी लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक चीज और भी है कि अगर आपको इस तरह के उत्पाद कभी खरीदने होते थे तो दिल्ली हाट आपके लिए एक विकल्प है, फिर अगर क्योंकि आप भी मयूर विहार रहते हैं नोएडा में, यानी कि शिल्प महोत्सव लगता है, हालांकि 2 या 3 दिन के लिए लगता है, वो आपके लिए एक छोटा सा अनुभव हो सकता है, नोएडा हाट बाजार है। लेकिन इस तरह का जो महोत्सव है जिसमें उसमें भी कुछ कुछ ही राज्य होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो महोत्सव है ये तमाम उन राज्यों को कवर करता हुआ, मतलब आप लगा सकते हैं कि अभी बैठे बैठे अगर जो दर्शक देख पा रहे होंगे वो शॉपिंग लिस्ट जरूर बना लेंगे कि भाई ये चीजें हमें खरीदनी चाहिए। देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो जनता से भी साधुवाद और अभिनंदन करते हुए। बिल्कुल अरुण बताइए। बिल्कुल देखिए, ये पहली बात तो ये कि एक समय ये भी था कि जब ऐसे इवेंट से इनिशिएटिव्स दिए जाते थे कि भाई इस तरह के B2B का आयोजन करना है तो इन लोग को बहुत हैवी फीस देनी होती है जो यहाँ पे स्टॉल जो लगाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात पर फोकस रखा हुआ है कि हमारा मकसद है कि कैसे मार्केट को पहुंचाया जा सके, मैन्युफैक्चरर है उसके पास तक, लोगों को एक तरह से मैन्युफैक्चर तक कैसे पहुंचाया जा सके, तो वही फोकस प्राइम मिनिस्टर मोदी का रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में हमने देखा कैसे हाथ हिला करके जो तमाम जो लोग यहाँ पे हैं आदि महोत्सव के अंदर आए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, आर्टिजन आए हैं, उन लोगों से उनको हाथ मिला करके एक तरह से अभिनंदन करते हुए, और ये जो शुरुआत हुई है आदि महोत्सव की जो कि 27 तारीख तक चलेगा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटेंट यही है, अपील शायद यही रहेगी कि लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए, इन प्रोडक्ट्स को देखें परखें, क्योंकि अगर भारत के लोग इन प्रोडक्ट्स को भारी संख्या में अपनाते हैं तो उनको एक नेशनल लेवल पे तो एक तरह से उनको मार्केट मिलेगा इन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, लेकिन एक तरह से इंटरनेशनल अपील भी मिलती हुई दिखाई देगी, बिकॉज भारत में इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, कई सारे फॉरेन डेलीगेट्स भारत में आ रहे हैं कई सारी मीटिंग्स के लिए और आगे इस पूरे साल आते रहेंगे, तो G20 शिखर सम्मेलन एक बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं माध्यम है, जब फॉरेन डेलीगेट्स जब यहाँ भारत में आएंगे तो इस तरह के ट्राइबल प्रोडक्ट्स को वो देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अर्जुन मुंडा जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, डॉक्टर भारती पवार जी, विश्वेश्वर टूडू जी, अन्य महानुभाव और देश के अलग अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों, आप सभी को आदि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का, तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं,
भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती हैं। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग रंग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बन जाता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है, जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो मुझे अनेकों राज्यों में और उसमें भी हमारे जनजातीय समूह के बीच जाने का अवसर मिलता था। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। गुजरात में भी उमरगाम से अंबाजी तक, गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी उस आदिवासी पट्टे में जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा में लगाने का मुझे सौभाग्य मिला था। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूं तो एक अलग ही तरह का अपनत्व मुझे फील होता है। आपके बीच अपनों से जुड़ने का एहसास होता है। साथियों, आदिवासी समाज को लेकर
आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कैसे पेड़ों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं, हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, इसकी प्रेरणा हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं
उसमें भी हमारी माताएं बहने हैं, इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है। और साथियों, ये प्रयास केवल कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी समुदाय है, उनकी कितनी ही परंपराएं और हुनर ऐसे हैं जिनमें असीम संभावनाएं छिपी है। इसलिए देश में नए जनजातीय शोध संस्थान भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहां एक बात नोट की थी। वहां आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनाने में प्राथमिकता नहीं थी। अब सोचिए, जब आदिवासी बच्चा साइंस ही नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता? इस चुनौती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में साइंस की पढ़ाई का इंतजाम करके किया। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये मेरी प्राथमिकता है। आज देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1,00,000 से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30,00,000 विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारी सरकार वंचितों को वरीयता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। सरकार जिन आकांक्षी जिला
आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। ये आदि और आधुनिकता के संगम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलंद इमारत खड़ी होगी। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। पिछले साल ही मुझे झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम के लोकार्पण का अवसर मिला था। ये देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी छाप आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई देगी। ये प्रेरणा देश को कई सदियों तक दिशा देगी। साथियों, हमें हमारे अतीत को सहेजना है, वर्तमान में कर्तव्य भावना को शिखर पर ले जाना है और भविष्य के सपनों को साकार करके ही रहना है। आदि महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है। हमें इसी एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है, एक जन आंदोलन बनाना है। ऐसे आयोजन अलग अलग राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। साथियों, इस वर्ष पूरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट्स, जिसे हम आमतौर भाषा में मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, और सदियों से हमारे स्वास्थ्य के मूल में ये मोटा अनाज था और हमारे आदिवासी भाई बहन के खान पान का वो प्रमुख हिस्सा हो रहा है। अब भारत ने ये मोटा अनाज, जो एक प्रकार से सुपर फूड है, इस सुपर फूड को श्री अन्न की पहचान दी है। जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार,
श्री अन्न रागी, ऐसे कितने ही नाम है यहां के महोत्सव के फूड स्टॉल पर भी हमें श्री अन्न का स्वाद और सुगंध देखने को मिल रही है। हमें आदिवासी क्षेत्रों के श्री अन्न का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, आदिवासी किसानों की आय भी बढ़ेगी। मुझे भरोसा है अपने इन प्रयासों से हम साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। और जब मैं आज मंत्रालय ने दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन किया है, देश भर के हमारे आदिवासी भाई बहन अनेक विविधतापूर्ण चीजें बना करके यहां लाए हैं, खास करके खेत में उत्पादन उत्तम चीजें यहां लेकर के आए हैं। मैं दिल्ली वासियों को, हरियाणा के नजदीक के गुरुग्राम वगैरह इलाके के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद के लोगों को आज यहां से सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं, जरा दिल्ली वासियों को विशेष आग्रह करता हूं कि आप बड़ी तादाद में आइए। आने वाले कुछ दिन ये मेला खुला रहने वाला है। आप देखिए दूर सुदूर जंगलों में इस देश की कैसी कैसी ताकतें देश का भविष्य बना रही है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो डाइनिंग टेबल की हर चीज में बहुत ही सतर्क है, विशेष करके ऐसी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि आप आइए। हमारे जंगलों की जो पैदावारें हैं वो शारीरिक पोषण के लिए कितनी समृद्ध है आप देखिए। आपको लगेगा और भविष्य में आप लगातार वहीं से मंगवाएंगे। अब जैसे यहां हमारे नॉर्थ ईस्ट की हल्दी है, खास करके हमारे मेघालय से, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वैसी हल्दी शायद दुनिया में कहीं नहीं है। अब जब देखते हैं पता चलता है तो लगता है हां अब हमारे किचन में यही हल्दी हम उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा विशेष आग्रह है दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलाके यहां पास पास में हैं वो यहां आए। और मैं तो चाहूंगा दिल्ली दम दिखाएं कि मेरे आदिवासी भाई बहन जो चीजें लाके आए एक भी चीज उनको वापस ले जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, सारे के सारे यहां बिक्री हो जानी चाहिए। उनको एक नया उत्साह मिलेगा, हमें एक संतोष मिलेगा। आइए हम मिलकर के इस आदि महोत्सव को चिरस्मरणीय बना दें, यादगार बना दें, बहुत सफल बना करके रखें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि, जिसे ऋषा कहा जाता है, इसे त्रिपुरा के अधिकांश जनजातीय समाजों में प्रयोग किया जाता है, अपने हाथ से बुना और तैयार किया जाता है। आज त्रिपुरा की तरफ से स्नेह की अभिव्यक्ति, प्रीति का ये रंग है, ये अभिव्यक्ति है इस रूप में, इस ऋषा पगड़ी के रूप में। स्वागत प्रधानमंत्री महोदय का।